डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजाराम, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। हम लोग मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं, बीएससी पार्ट तृतीय में अकार्बनिक रसायन के यूनिट फर्स्ट में। इसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली है। बिफोर यस, कल हमने ये पढ़ा था कि CFT को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अर्थात क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम क्रिस्टल फील्ड विभाजन के परिणाम और उसके अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सीक्वेंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ CFT, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन आज करेंगे। डी कक्षकों के स्प्लिटिंग तथा उनके रिजल्ट ही CFT के इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार के विभाजन का यह स्पष्ट पहलू यह है कि अब हमें समान ऊर्जा स्तरों की अपेक्षा भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के स्तर प्राप्त होते हैं, जिसमें ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे में स्थानांतरित हो सकते हैं। भिन्न भिन्न ऊर्जा के कक्षकों में स्थान उपलब्ध होने पर परिस्थिति के अनुसार धातु इलेक्ट्रॉन निम्नतर या उच्चतर ऊर्जा के कक्षकों में स्थान ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन एवं फिजिकल प्रॉपर्टीज आदि की सरलता से व्याख्या कर सकते हैं। इन आचरण की संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा व्याख्या न कर पाना उस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी थी। अब ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। हम जानते हैं कि पदार्थों के चुंबकीय गुणों का उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से सीधा संबंध होता है। चुंबकीय गुण किसमें पाए जाते हैं, जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही ज़्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा और उसमें चुंबकीयता अर्थात चुंबकीय गुण होगा, अर्थात वो अनुचुंबकीय होगा। अतः चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने के लिए CFT का उपयोग करते हुए यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या का अनुमान लगाया जाता है तथा इस संख्या से पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण की गणना की जाती है, BM, बोर मैग्नेटॉन। हम जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण का मान प्रयोग द्वारा निकाला जा सकता है। सिद्धांत की सफलता इस निर्भर करती है कि सैद्धांतिक मान प्रायोगिक मान के काफ़ी नियरेस्ट है। अब इसमें क्या है, धातु के इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर ये बताया जाता है। सबसे पहले प्रबल फील्ड तथा दुर्बल फील्ड संकुल, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। हम लोगों ने लिगेंड की प्रकृति के बारे में देखा था कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, उसके ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा अर्थात स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, पेयर करेगा, अर्थात जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन्स पेयर करने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम होगा, अर्थात वो स्पिन है वो कम दिखाई देगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इसी प्रकार यदि डेल्टा की वैल्यू कम है, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड रहने की कोशिश करेंगे, इट मीन्स वो लिगेंड होंगे वीक फील्ड नेचर के। वीक फील्ड नेचर के होंगे तो वो लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जब हम संभ्रंश कक्ष, संभ्रंश का मतलब जिसमें एक समान ऊर्जा हो, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल या लो एनर्जी डिफरेंस वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डालना प्रारंभ करते हैं तो सभी कक्षकों में सर्वप्रथम एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, यह हुंड ने बताया था। इस प्रकार ही यदि कक्षकों की संख्या से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे। इसका कारण यह है कि भिन्न भिन्न कक्षकों में स्थान ग्रहण करने पर ही इंट्रा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा। क्रिस्टल फील्ड के कारण विभाजित डी कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम लो एनर्जी लेवल एनर्जी के प्रत्येक डी जनरेटेड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेकिन यदि इन कक्षकों से इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो शेष इलेक्ट्रॉन का डी कक्षकों में वितरण निम्न दो परिस्थितियों के अनुसार होगा।
पहली स्थिति कौन सी है? इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के उन्हीं कक्षकों में प्रवेश करेंगे जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है। ऐसा होने पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा और इस ऊर्जा को युग्मन ऊर्जा अर्थात पेयरिंग एनर्जी पाई कहेंगे। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के रिक्त कक्षकों में स्थान ग्रहण करें। यहाँ यद्यपि इलेक्ट्रॉनों के मध्य का कूलम्बीय प्रतिकर्षण नहीं पाया जाता, पाई बराबर जीरो अर्थात उच्च ऊर्जा के कक्षकों में प्रवेश करने हेतु प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा का अवशोषण करेगा। चूंकि निम्नतर ऊर्जा स्तरों में स्थान उपलब्ध होने के उपरांत इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जाता है, पहले इलेक्ट्रॉनों की तुलना में इसकी डेल्टा अर्थात ऊर्जा अधिक होगी। स्पष्ट है कि कम ऊर्जा के संभ्रंश कक्षकों में अर्धपूर्ण हो जाने के पश्चात इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी कक्षक में जाए वह ऊर्जा का अवशोषण करेगा, पाई या डेल्टा का। हम जानते हैं कि कम ऊर्जा की स्थिति में यह अधिक स्थायी होती है। इलेक्ट्रॉन्स उस ऊर्जा स्तर को ग्रहण करेगा जिससे कम ऊर्जा का व्यय होता है। यदि युग्मन ऊर्जा पाई का मान डेल्टा से तो इलेक्ट्रॉन निम्नतर कम है तो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के कक्षकों में आएगा, लेकिन यदि क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा डेल्टा का मान कम है पाई से तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जाएगा। चूंकि युग्मन ऊर्जा दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण ऊर्जा है, इसका मान स्थिर लिया जा सकता है क्योंकि यह डेल्टा की भांति धातु की प्रकृति तथा फील्ड सामर्थ्य पर निर्भर करती है। अतः जहाँ तक विभाजित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण का प्रश्न है, डेल्टा के मान पर निर्भर करते हुए निम्न दो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जब डेल्टा की वैल्यू पाई से कम है तो प्रबल फील्ड संकुल बनेंगे। इन संकुलों को चक्रण युग्मित या निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। ये वे संकुल है जिनमें संयोजकता बंध सिद्धांत में आंतरिक कक्षक संकुल अर्थात इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस अर्थात डी पहले वाले। इन संकुलों का अनुचुंबक तथा धातु आयनों के अनुचुंबक तुलना में कम होता है और पाई की वैल्यू यदि डेल्टा की वैल्यू पाई से कम है तो ये वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इन संकुलों को दुर्बल फील्ड संकुल कहते हैं क्योंकि इसमें डेल्टा का मान कम होगा। पाई से पेयरिंग एनर्जी से डेल्टा की वैल्यू कम है। यहाँ यह स्थिति अर्थात आगंतुक इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर के कक्षकों की अपेक्षा उच्चतर कक्षकों में ग्रहण करते हैं, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के संकुलों को उपसंकरण या मुक्त संकरण संकुल, हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इन संकुलों को संयोजकता बंध सिद्धांत के बाह्यतम संकुल अर्थात आउटर ऑर्बिटल जैसे sp3d2 sp3d3, इन संकुलों का अनुचुंबक धातु आयन के अनुचुंबक के समान होता है। तो ये दो परिस्थितियाँ थी, डेल्टा इज ग्रेटर देन पाई एंड पाई इज ग्रेटर देन पाई इज ग्रेटर देन डेल्टा। अष्टफलकीय संकुलों के चुंबकीय गुण, अष्टफलकीय संकुलों के चुंबकीय गुणों के बारे में बात करें तो d1 d2 d3 विन्यास के जो कंपाउंड है उनके बारे में डिस्कशन करें। अष्टफलकीय संकुलों के धातुओं में डी कक्षक निम्नतम ऊर्जा के t2g तथा उच्चतम ऊर्जा के eg कक्षकों में विभाजित होते हैं, ये हम जानते हैं पहले से। अष्टफलकीय की बात कर रहे हैं हम, d1 d2 d3 विन्यास की ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं और विन्यास का अनुसार d1 d2 और d3, और हम जानते हैं कि डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो t2g और eg में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये t2g है, ई जी इनमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ए d1 d2 d3 की बात करेंगे तो ये t2g रीजन में विभाजित हो गया। यदि धातु आयन का विन्यास d1 है तो इलेक्ट्रॉन t2g कक्षकों में प्रवेश करेगा। d1 है इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? d1 कक्षकों में, t2g 1 में आएगा। ठीक है, t2g में आ गया। जिस प्रकार एक प्रथम आयन में एक इलेक्ट्रॉन 500 डी कक्षकों में जाने के लिए समान रूप से स्वतंत्र रहता था, उसे कोई भी निश्चित डी कक्षक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार t2g कक्षकों में से कोई एक निश्चित कक्षक इस इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिया जा सकता तथा संकुलों में t2g 1 eg 0 या t2g 1 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी प्रकार d2 d3 विन्यास वाले धातु आयनों के लिए भी इसी प्रकार से रखा जाएगा। d2 की बात करेंगे तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन, d3 की बात करेंगे तो ये अर्थात d1 d2 d3। इसके लिए चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, कोई भी हो और ज्योमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल है तो हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, इसमें पेयर नहीं होंगे क्योंकि t2g के तीनों ऑर्बिटलों की ऊर्जा है वो समान है। ये तीनों डी जनरेटेड ऑर्बिटल है ऑक्टाहेड्रल में, ये तीनों डी जनरेटेड ऑर्बिटल है। यदि हम स्क्वायर प्लैनर की बात करें तो यहाँ पर जो dyz और dxz और dx जो xy है उनमें कुछ डिफरेंस हो जाता है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये तीनों की ऊर्जा समान है।
समान है जो सब तीनों गुण के नियमानुसार पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा ही जाएगा, चाहे लिगोंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। यहाँ ये स्पष्ट है कि इन विन्यासों के सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मिति रहेंगे, इसके कारण संगोला में उतना ही अनुचुंबक पाया जाएगा जितना धातु आयन में होता है। इसके अतिरिक्त लिगेंड फील्ड सामर्थ्य चाहे कुछ भी हो, अयुग्मिति इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात डी वन डी टू डी थ्री विन्यासों के लिए एक ही प्रकार के संकुल बनते हैं जिनमें अयुग्मिति इलेक्ट्रॉन संख्या एक दो और तीन होती है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, 2 एंड 3, डी वन के लिए 1 है, डी टू के लिए 2 है, डी थ्री के लिए 3 है। तो ये बात प्रश्न कई बार आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब बात करें D4, D5, D6, D7 की। D4, D5, D6 और D7। अब यहाँ पर वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में जरूर डेफिनेटली बात करेंगे हम। यदि हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करेंगे तो D4 की बात करेंगे, D4 की बात करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर पेयर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर होने का कारण क्या है? यहाँ पर पेयर होने का कारण इसके अंदर ये है कि पेयरिंग एनर्जी जो है वो डेल्टा से ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो गया। D5 होगा ये वाला होगा तो ये यहाँ पेयर हो जाएगा, और ये होगा तो ये यहाँ पेयर हो जाएगा। यदि हम बात करें D4 के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो D4 के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने होंगे, एक और दो। D5 के लिए बात करेंगे तो एक, और D6 के लिए बात करेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी, तो Dm भी 0 होगा। कब? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और यदि वीक लिगेंड है, बात मैं अभी तक यहाँ की कर रहा हूँ, यदि वीक लिगेंड है तो क्या होगा, इस प्रकार से है। वीक लिगेंड है तो पहले तीनों में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, डी थ्री तक भरा गया। D4 की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन D4 ईजी में भरा जाएगा, तो यहाँ बोर मैग्नेट और साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से क्या बढ़ गई, चुंबकीय गुण भी बढ़ गया। और D5 की बात करेंगे तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी है वो डेल्टा से कम है। जहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पर क्या था, पेयरिंग एनर्जी थी वो डेल्टा से ज़्यादा थी, यहाँ पेयरिंग एनर्जी है वो डेल्टा से कम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कम होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, चुंबकीय गुण ज़्यादा रहेगा, बोर मैग्नेटों में चुंबकीय वाहकपूर्ण का मान भी बढ़ता चला जाएगा। या अधिकतम 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 point something इसका बोर मैग्नेटों का चुंबकीय आवरण होगा। और इसमें यदि हम D5 की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कम हो जाएगा, D5 हो गया, तो इसमें ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है इसमें, और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 है, तो चुंबकीयता इसकी ज़्यादा है। तो वीक फील्ड लिगेंड अर्थात पाई की वैल्यू डेल्टा से कम है, पेयरिंग कम होगी। तो जब पेयरिंग कम है तो ये सभी तीनों में क्या है, प्लस हाफ है या फिर माइनस हाफ है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, स्पिन ज़्यादा है। स्पिन ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग, या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ये सभी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हम D7 की बात करें, D7 की यदि इसमें बात करें, इसमें यदि हम D7 की बात करेंगे तो कितने, 6 तो यहाँ हो गए और ये 7 यहाँ, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिंगल ओनली 1, तो इसका बोर मैग्नेटों बात करें तो 1.87 आएगा, चुंबकीय आवरण 1.87 है। और यदि यहाँ पर हम 6 की बात करें, जैसे 6 तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन के साथ है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 अनपेड पड़े। यहाँ फिर भी जा सकते हैं हम, यहाँ स्पिन है लो स्पिन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात लिगेंड के नेचर के ऊपर या फिर पाई और डेल्टा के रिलेशन पर भी ये निर्भर करता है। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्सेस के अंदर काफ़ी कुछ हमें एग्जाम्पल्स भी मिलता है, जैसे प्रश्न है हेक्सा एक्वा आयरन 2 आयन तथा हेक्सा फ्लोरो कोबाल्ट 3 में अपने अनुचुंबकीय है, तथा हेक्सा साइनोफेरेट और हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट ये आपके प्रतिचुंबकीय हैं, क्यों? इस प्रकार के आंसर हमें इजी वे में मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक्वा जो है वो वीक लिगेंड है और CO F3 वीक लिगेंड है H2 की तुलना में। और आगे की बात करें तो नाइट्रो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CN की तुलना में, CN ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नाइट्रो की तुलना में। तो फिर ये पेयरिंग और अनपेयरिंग होता रहेगा और हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का पता चलेगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है रूट में एन और एन प्लस टू, ये ध्यान रखना होता है। n n+2 क्या होता है, ये होता है बोर मैग्नेटोन अर्थात BN, ये होता है चुंबकीय आघूर्ण। यहाँ n क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है।
जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, यदि n की वैल्यू या n की वैल्यू यदि जीरो है तो bm कितना होगा? ये n, n की वैल्यू जीरो है तो bm जीरो, n की वैल्यू एक है तो bm 1.87 1.73 और यदि दो है तो 2.83 तीन है तो 3.87 फोर है तो एग्जैक्ट वैल्यू फॉर्मूले के अंदर है 4.90 और 5 है तो 5.90। ये सारी बोर मैग्नेट्रॉन में वैल्यू आ जाएगी, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो बी एम जीरो है, अनपेड वन है तो बी एम 1.73 है, टू है तो 2.83 है, थ्री है तो 3.87 है, फोर है तो 4.90, फाइव है तो 5.92 है। और डी में 5 से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते नहीं, उसके बाद वापस कम होने चालू जाते हैं, पेयरिंग होने चालू जाती है। तो ये सब चीज़ें थी। अब कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन का भी शॉर्ट आउट करेंगे, क्वेश्चन हम लोग टुमारो करेंगे, दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में सी एफ एस सी पढ़ेंगे और फिर यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दो तीन दिन का चैप्टर और है, आप लोग इसी प्रकार से कंटिन्यू चैनल पर बने रहें और केमिस्ट्री पढ़ते रहें। धन्यवाद।